गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सबने कर लिया था ना लास्ट क्लास में। अच्छा, उस वाले पे मैसेज करना है। मैंने कल आपको उस पे भी होमवर्क दिया था, क्या बोलते हैं अपना, एरर्स जो है, एरर्स पे कल नहीं परसों दिया था, उस पे होमवर्क दिया था। कितने बच्चों ने वो होमवर्क कर लिया था? न्यू अकेडमी वाले पे मैसेज करो। हार्ड था क्या? अच्छा, शर्वरी आ गई क्या? शर्वरी, मुझे जो अपना बुकलेट है ना उसका सॉल्यूशन सेंड करना है। एक्चुअली वो कल काफी बिजी हो गए थे। शर्वरी, शर्वरी है क्या? हाँ बेटा, वो बुकलेट का मैं सॉल्यूशन सेंड करता हूँ। एक्चुअली वो कल मिल नहीं रहा था, मिल गया है, किसी फोल्डर में रखा हुआ था। मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, है ना, आज सेंड कर दूंगा, और कल वैसे भी टाइम नहीं था। अच्छा, कितने लोगों को अपना जो नया क्लास है उसका लोकेशन अच्छे से पता चल गया? गूगल मैप्स भेजा था मैंने, कल देखने भी आए कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स भी आए, वेदांग आया, वेदांत आया था, पार्थ भी आया था, पार्थ, ठीक है। सो मंडे से अपन फेस टू फेस मिलेंगे, ठीक है। और सुबह ऐसे नहीं एकदम मुंह उठा के आ गए, एकदम नहा धो के रेडी होके आना टिप टॉप बन के। मैं तो अभी कितने बच्चे होंगे ऐसे बिना नहाए बैठे हैं मेरे जैसे। चल कोई नहीं, ओके ओके, ज्यादा चलो। फर्स्ट नाम कौन बताएगा? शर्वरी बताएगी। शर्वरी पहला नाम बताओ। यस सर। मैंने आंसर किया, शाबाश कार्तिक। सर फर्स्ट का वन ब्रोमो बेंजीन। एक सेकंड, आज मैं ट्रिक भी लाया हूं आप लोगों को, सारे फंक्शन ग्रुप याद करा दूंगा। वन ब्रोमो बेंजीन, शाबाश। सेकेंड वाला सौरभ बताएगा। सौरभ, ये लो, सौरभ है ही नहीं, सौरभ गया छुट्टी मारने, सौरभ नहीं है। श्रेया तुम बताओ सेकेंड वाला। वन ब्रोमो थ्री नाइट्रो बेंजीन। देखो, ये देखो ध्यान से समझना इधर। सर मैं नाइट्रो से भी तो नाम स्टार्ट कर सकता सर, वन कहां से दूं सर? देखो जरा ध्यान से समझना, वन एक ब्रोमो है, एक नाइट्रो है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो पहले किसको देंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता, तो वन नंबर इसको, टू नंबर इसको, थ्री नंबर इसको, फोर नंबर, फाइव नंबर, सिक्स। प्लीज इसको ध्यान से समझना, कई बच्चे वन नाइट्रो थ्री ब्रोमो लिखे, वैसा नहीं लिखना है। दिस इज वन ब्रोमो थ्री नाइट्रो बेंजीन। बहुत ही सुंदर। तो नेक्स्ट कौन बताएगा? सौरभ माइक ऑन करो। सौरभ बेटा आ गए क्या घर पे? सौरभ भी घूमने फिरने गया है। सौरभ आंसर बताओ, माइक ऑफ हो गया? ओके चलो फिर कोई और। अक्षय आज खत्म हो जाएगा, आज ये चैप्टर खत्म। अक्षय थर्ड का नाम बताओ बेटा। अक्षय भी नहीं है, श्रिया ने नाम बताया। ये एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड ना, ये थोड़ा बहुत सीखने मिलेगा आपको इधर से।
वो चीज रह लीजिएगा, देखा जरा अभी आप केजीपी सर वाले पे मैसेज कर सकते हैं। देखो अगर मैं नंबरिंग दू बेटा, ध्यान से सुनना, पहले लोवेस्ट लोकेंट आता कि पहले अल्फाबेट आता? पहले लोवेस्ट लोकेंट आता, लोवेस्ट लोकेंट आता या अल्फाबेट आता? पहले लोएस्ट लोकेंट आता है कि अल्फाबेट आता है? ऑब्वियस है पहले प्रेफरेंस लोएस्ट लोकेंट को दी जाती है। अच्छा सर इसमें जो है ना दो लोग थे, इसमें कौन थे? दो लोग, तो लोएस्ट लोकेंट में देखना जरा, बात समझना मेरी बात समझो, या तो नाइट्रो को वन मिलता या ब्रोमो को थ्री मिलता, यहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग वन और थ्री होती। अगर मैं नाइट्रो से स्टार्ट करता, नाइट्रो से, तो ब्रोमो को तीन मिल जाता, तो वन और थ्री ही नंबरिंग है। ध्यान से सुनना ये बहुत अच्छा सवाल है। तो नंबरिंग अगर मैं करूं, मान लो मैंने नंबरिंग लेट से ब्लू पेन से ऐसे लिया 1 2 3 4, तो यहां से जो नंबरिंग बन रही है बेटा, यहां से क्या बन रही है? 1 मिल रहा, 2 मिल रहा, 4 मिल रहा, बात समझो, यहां से 1 2 4 मिल रहा। अगर सेम प्रॉब्लम कहा लगा था, ये ब्रोमीन, ये NO2 और ये क्लोरीन। बेटा अगर मैं नंबरिंग ऐसी करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं नंबरिंग ये करूं 1 2 3 4, सर ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता तो उसको 1 नंबर मिल गया, नाइट्रो को 3 नंबर और इसको 4, पीछे देखो क्या मिला है 1 2 4, यहां क्या मिला है 1 3 4, कौन सा करना है? ये बी वाला करना है कि ए वाला करना है? ए वाले में मैंने ऐसे नंबरिंग करी थी, दिस इज क्लोरीन NO2, दिस इज ब्रोमीन, मैंने नीचे से नंबरिंग करी 1 2 3 4, विच वन इज बेटर, ए वाला बेटर है कि बी वाला बेटर है? लोएस्ट लोकेंट इधर आ रहा 1 2 4, पहले लोएस्ट 1, सर ब्रोमीन से करो क्लोरीन से करो, 1 नंबर आ रहा और ब्रोमीन को ज्यादा, बट थर्ड यहां पे आ रहा, यहां पे 2 आ रहा, यहां पे 2 आ रहा। देखो फर्स्ट पे टाई, सेकेंड ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ऑब्वियस है इसको प्रेफरेंस मिलेगा, ऑब्वियस है इसको प्रेफरेंस मिलेगा। जिन बच्चों ने बी लिख रहे हो उनको क्या चीज समझ में आ रही है? वेद निकुंज, ए क्यों होगा? क्योंकि ये नंबरिंग 1 3 4 है, ये 1 2 4 है, तो 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 पहले आ जाएगा, तो इसका सही नाम होगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। बेटा सबसे ज्यादा अगर आपका कहीं पे गलत होगा ना, दैट वुड बी इन दिस पार्ट, कि भाई नंबरिंग वाले पार्ट में गलत होगा। आपको ऑप्शंस, एक ऑप्शन ये देगा, दूसरा ऑप्शन ये देगा 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो 4 क्लोरो, नाम आपको पता होगा। बस ये लोएस्ट लोकेंड है ना, सबसे ज्यादा गड़बड़ यहीं पे लोएस्ट लोकेंड में ही होती है। बहुत सिंपल है, बट बच्चे क्या है ना हड़बड़ी में, अरे यहां से अब ये ऊपर नजर आता है ना, तो बच्चे हमेशा इसको 1 नंबर दे देते हैं। आई होप ये एग्जांपल क्लियर हो गया, कितने लोगों का सही था? ओके वेरी गुड। ठीक, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट में बताएगी रिद्धि।
रिद्धि इसका नाम बताओ बेटा। पहले इसका बता दो, पांचवे वाले का बताओ। रिद्धि पहले पांचवे वाले को बताओ। हाँ सर। पांचवे वाले बताओ। टू वन क्लोरो टू मिथिल मिथाइल मिथाइल टू मिथ वन क्लोरो टू मिथाइल मिथाइल बेंजीन। ठीक है ओके। चलो अभी अभी ये चीज क्लियर है। अभी ऊपर वाला मुझे बताना था ये क्या हो जाएगा। इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका कौन बताएगा? अक्षय ये बताओ। अरे ये दो कार्बन है तो मिथाइल था तो ये क्या हो जाएगा, वन इथाइल। चमक रहा क्या? चलो ठीक है, मेजॉरिटी अपन ने कर लिया है, कुछ और बाकी है वो अभी हम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं ना। विल कंप्लीट इट फास्ट और जल्दी जल्दी ये सब चीजें अपन खत्म कर देंगे। तो अभी सिर्फ सुनना है, इसको क्या बोलते हैं, ये रट लेना आप सभी कुछ रट लेना, ये इसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अरे बेंजीन नॉल भी नहीं, फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल अब नाम है ठीक है, कॉमन नेम ही ज्यादा प्रचलित है इसका। क्या बोलते हैं फिनॉल, तो क्या बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। अच्छा अब इसमें नेक्स्ट ये देखना, ये ऐसा है बेंजीन है C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जीनल गौरी किरण वेरी गुड, प्रियांशु का आंसर आया औरों का भी आ रहा है, कीटोन, कौन बोला कीटोन, श्रेया क्या कर रही, अरे उस पे मैसेज करो, उस पे मैसेज करो केजीपी सर वाले पे, एल्डिहाइड बेटा एल्डिहाइड एल्डिहाइड है ये, क्या है एल्डिहाइड, तो इसका नाम अपन लिखे बेंजीन वन जो है अल, ये नहीं होता ठीक है क्योंकि ऑब्वियस ये वाला कार्बन भी काउंट नहीं हुआ है, इसका नाम होता है बेंजल डीहाइड, इसका नाम क्या है बेंजल डीहाइड, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम है, और आईयूपीएसी के बगैर इसको ऐसे भी लिखा था, सबसे ज्यादा करेक्ट ये है आईयूपीएसी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड या बेंजल डीहाइड या बेंजल डीहाइड, ये दोनों करेक्ट है ठीक है, आपको बेंजल डीहाइड भी मिल जाएगा और बेंजीन कार्बल्डिहाइड ये भी मिल जाएगा ठीक है, तो आपको ये दोनों पार्ट मिल सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसको बस छापना है बेटा, छाप के कहीं पे मिल जाए तो आप इसको डायरेक्ट एज इट इज नाम आ जाएगा, तो इसको जो सही नाम है कॉमन नेम जो है कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, और इसमें ये भी लिखते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी लिखा जाता है, दोनों सही है, ये ज्यादा सही है, ये मोर करेक्ट है, मोर करेक्ट या आईयूपीएसी नाम, ये कॉमन नेम है, अगर बेंजोइक एसिड भी बोला ना आपको तो आप समझ जाना बेंजीन है और उसपे कार्बोक्सिलिक एसिड लगी हुई है, मे बी इसमें पूरे कार्बन काउंट नहीं हो रहे, इसमें पूरे कार्बन नहीं पता चल रहे, इसमें क्या है बेटर पता चल जाए, बेंजीन है
और उस पे एक कार्बन बाहर लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड ग्रुप था। हो गया, डन लिख दो, आज खत्म करते। अच्छा, इसके बाद में एस एस सर का लेक्चर होगा, मैं फिजिक्स शाम में लूंगा, ये सबको मैसेज देख लिया क्या? इसके बाद में एस एस सर का लेक्चर होगा, हाँ फ्राइडे तक तो यही रहेगा। कल वाली क्लास देखी? कल क्लास में हम लोग कितने बजे तक, 10 बजे तक पूरा शिफ्टिंग करा रहे थे रात में। पहले चेयर्स लगी हुई थी, फिर आपके पेरेंट्स का बोल, हमने पहले चेयर्स लगाई थी है ना, जो डेस्क मैंने कल फोटो भेजा ना नई वाली क्लास का, पहले डेस्क लगाई थी, सॉरी पहले चेयर्स लगाई थी, फिर पेरेंट्स का बोलना था कि भाई थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, कोरोना को देखते हुए हम लोग ने चेयर्स लगाई थी। बाद में बच्चों को क्या बुलाओ, मम्मी ने देख रखा है, मम्मी ने देख रखा है जयेंद्र। और हाँ एक और चीज, आपको प्रॉपर ये तो छाप लिया होगा, मास्क लेके आना है, अपना मास्क कैरी करना है, और हैंड सैनिटाइजर। और सारे के सारे बच्चे साइकिल से आएंगे, सारे बच्चे जो है साइकिल से आएंगे, सारे के सारे बच्चे साइकिल से आएंगे, ठीक। कुछ बच्चे तो बहुत साइकिल चलाते हैं, सौरभ है, वेदांग है, अच्छा साची को भी देखा मैंने, साची राधा, तो साइकिल साइकिलिंग करो फिट रहोगे। साइकिल लानी है, जो भी स्कूटी लाए उसको एंट्री नहीं देगा, गार्ड अपना एंट्री नहीं देगा। अरे ये पता है आईआईटी में हम लोग भी थे, तो सिर्फ वहां पे साइकिल अलाउड है। सोचो इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा, और वो भी आप लोग आईआईटीयन, आईआईटी में ओनली साइकिल्स आर अलाउड, सिर्फ साइकिल अलाउड है। कितने बड़े हो तुम, सिर्फ पीएचडी वाले बंदे होते हैं ना, पीएचडी वाले, उनको ऐसे स्कूटी अलाउड रहता है, नहीं तो बाकी सब लोग, इवन हमारे प्रोफेसर हैं वो सब भी साइकिल पे ही आते हैं, प्रोफेसर लोग भी साइकिल पे आते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बट प्रोफेसर भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोफेसर, एक हमारे थे फैज सर थे, फैज सर तो एकदम ही साइकिल पे रोज हम लोग से पहले लाइन में लगाते थे। तो चलो आईआईटी का अलग ही मजा है, सिर्फ एक साल रह गया, इमेजिन करो सिर्फ एक साल, 2022 अगस्त महीना, और आप लोग आईआईटीज के अंदर वायरस जैसे। हाँ हाँ भाई, अपने प्रोफेसर काफी अच्छे होते हैं आईआईटी वाले, ऐसा सब मूवी में बनाया है, कोई इतना खड़ूस नहीं रहता। ओके, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साइकिल लेके आना है, स्कूटी वूटी अलाउड नहीं है, और प्रॉपर बाल वाल कटा के, ऐसे नहीं लड़के जैसे बड़े बड़े बाल कर रखे हो, ब्रश करके आना, ठीक। अब तुम लोगों के बीच में क्लास करोगे। ओके ओके, बैक टू द टॉपिक, फोर्थ मैं लिख देता हूं, फिर फटाफट नाम लिख लेंगे इनके। टाइमिंग मॉर्निंग में रहेगा, मैं टाइम टेबल सेंड कर दूंगा, 8:30 से क्लास रहेगी, 8 से लेके 3 बजे तक। अच्छा हाँ, टाइमिंग तो बताना ही भूल गया, 8:30 AM से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग 8:15 तक क्लास में पहुंच जाएंगे, 8:15, 8:20 तक क्लास में पहुंच जाएंगे, रिवाइज करेंगे, और फिर अप टू 3 बजे तक क्लास चलती रहेगी, 3-3 घंटे की क्लासेस होंगी, आधे घंटे का बीच में ब्रेक। और टिफिन साथ भी लेके आ सकते, नहीं तो पेरेंट्स जो है सेंटर पे ड्रॉप कर सकते हैं टिफिन, पेरेंट्स
हाँ ऐसे सर की भी क्लास होगी, शाम को लेक्चर नहीं होगा फिर, जो एकदम दूर बच्चे रहते हैं ना, एकदम दूर बच्चे, वही लोग पेरेंट्स के कंसर्न के साथ में स्कूटी ला सकते हैं। हाँ ऐसे सर के भी लेक्चर होंगे पर फ्रीक्वेंसी काफी कम रहेगी। ठीक है उनको भी बुला लेते अपन, है ना, ऐसे सर को भी बुला लेते। अरे नॉर्मल जो टाइमिंग है उसी में होगा, कितने बजे से? 8:30 से 3 बजे तक स्कूल की तरह बैठना है, और 2-3 टिफिन जितने भी होते हैं, 2-3 टिफिन, छोटा टिफिन बड़ा टिफिन वो दार में होता है ना सर, छोटा टिफिन बड़ा टिफिन वो सब लेके आना, ऐसे नहीं कि भाई चक्कर आके गिर जाए। देखो सुनो मेरी बात सुनो, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, और एडवांस में 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, एडवांस पेपर 1 पेपर 2, तो दिन में कितने घंटे हो गए? 6 घंटे का पेपर ही होगा, 6 घंटे का पेपर ही होगा, और पेपर होगा तो 6 घंटे की क्लास तो मिनिमम करनी पड़ेगी। शाम को लेक्चर्स नहीं होगा, है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, घर पे घर जाओगे आओगे बहुत टाइम लग जाएगा, कैंपस के अलावा बाहर अलाउड नहीं है, जब आप हाईवे के पास पास ही हो, पता चला कुछ लेने गए ऊपर नीचे हो गया तो। ओके एक्साइटमेंट ऑल हाई है, हाउस द जोश, मेरे को भी अच्छा लग रहा है फाइनली, मैं स्क्रीन पे बैठते बैठते बहुत बोर हो गया हूँ। देवाशीष का घर पास में है क्या? ठीक है कोई नहीं, फिर तो मैं भी आ ही जाऊंगा खाना खाने। ओके और कुछ पूछना है क्या? साइकिल्स अलाउड है, जो बच्चा बहुत दूर रहता है ठीक है वो परमिशन लेके स्कूटी लेके आएगा, नहीं सैटरडे भी क्लास रहेगी, सैटरडे भी क्लास रहेगी। हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए हाँ पास में ही है बेटा। अच्छा खाने का बेटा वो एक बार बात करेंगे, बार आपके मम्मी पापा आएंगे जहां पे भी हॉस्टल लगा है, वो लोग शायद ब्रेकफास्ट भी शायद डिलीवर करते हैं। हाँ बेटा उनका भी ऑफलाइन ऑनलाइन लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम रहेगा उनका भी लगाएंगे। ठीक है मास्क हैंड सैनिटाइजर हेलमेट भी जरूरी है भाई, हाँ हेलमेट और लाइसेंस। हाँ वहां पे बगल में पुलिस वाले हैं, पता है ना देवाशीष से पूछना, बगल में ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, फटाक से पकड़ लेंगे तो है। ओके ओके और तो कुछ नहीं ना, चलो चलो नाम लिखते हैं यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, इनके नाम लिखने भाई। ओ थोड़ा सा नीचे ले लेता, ये संडे को टेस्ट है पता है ना, शाम में कराएंगे टेस्ट, आप लोग शिफ्टिंग करके आ जाओ, मिताली काव्या मल्हार पढ़ के रखो ठीक है, शाम में आराम से टेस्ट दे लेना 5-6 बजे तक। एकदम पास रहने वाले तो एकदम पैदल आए और ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज होती। ओके लेट मी थिंक, हाँ यार वेरी गुड सौरभ, क्या आइडिया दिया है, ये वाली टेस्ट जो है
मैं एक बार प्लान करता ऑफलाइन के ऑनलाइन कराना, ऑफलाइन करा देते सबके ट्रू मार्क्स पता चल जाएंगे, क्या बोलते? दूध का दूध पानी का पानी, ऑफलाइन करा देते यार, क्या आइडिया दिया है सौरभ, एकदम पूरा सबको पता चल जाएगा किसके सही मार्क्स आ रहे हैं। विजिलेशन के लिए मैं 3 लोगों को लगा दूंगा, एकदम कोई देख भी नहीं पाएगा, मजा आ जाएगा। सही है वेरी गुड, थैंक यू सौरभ, अच्छा आइडिया दिया, सबके धड़ाम एकदम कम नंबर आएंगे, मजा आ जाएगा। चलो इसका नाम लिखो, बस रट लेना, इसका है बेंजोइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, या बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक, इसको बेंजो, अरे बेंजो नाइट्राइल बोलते और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी बोलते, क्या हो गया इसमें? बस छाप लो आप, इसे बोलते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये कॉमन नेम है, बस छाप लो बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। दिस इज मिथाइल फिनाइल, ये जो लगा रहता है उसको फिनाइल बोल देते हैं, कीटोन या जो और भी इसका कॉमन नेम है दैट इज एसिटो फिनोन, ठीक है, ये कॉमन नेम है इसके, आप बस छाप लेंगे इसको, ज्यादा बुद्धि मत लगाना। एक इसको ऐसे बोल सकते हैं, वन, देखो वन टू, इसको ऐसे, ये आईयूपीएसी नेम, वन फिनाइल इथेन वन ऑन, क्या बोलते भाई? इस चैप्टर पे टेस्ट नहीं होगी, न्यूटन्स लॉ इन सब पे टेस्ट होगी, न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन पे टेस्ट होगी, मजा आएगा फिजिक्स में, स्कोर नीचे गिरेगा बहुत, तुम लोग बहुत उछल लिए, आउट ऑफ लेके आते। सेकेंड नेम एसिटोफिनॉन है बेटा, ये एसिटोफिनॉन, फर्स्ट है मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसिटोफिनॉन एसिड फिन नॉन, सर्कुलर मोशन बाद में रखूंगा नेक्स्ट वीक, अभी पहले इस पे ये करते हैं ना, वो फिर मैं डिस्कस करूंगा। बेंजामाइड बेंजीन कार्बोक्सामाइड मिथाइल बेंजोएट और मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल फिनाइल इथर मिथ ऑक्सी बेंजीन, बस छाप लो बेटा इस,
अक्षय ये एसिटोफिनॉन है बेटा, अरे अपने कैंपस में है ना एक कॉमर्स वालों की भी क्लासेस चलती हैं, तो कॉमर्स वाले देखो कितने चिल हैं, उनके इंस्टीट्यूट एक क्रिकेट मैचेस करा रहे, बोलो तो उनका शायद सैटरडे संडे शायद है कुछ मैचेस वैचेस हैं, अपने ही इंस्टीट्यूट के सामने उन्होंने तंबू वंबू डाल के पिच विच बना के क्या होता है वो बॉक्स क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट खेल रहे हम लोग। अपने बच्चे नहीं करते, साइंस वाले बच्चे ऐसे डरे रहते हैं क्या खेलना। हाँ नेट वेट लगा के रखा उन्होंने, तुम लोग एक बार आईआईटी में घुस जाओ फिर अपन खेलेंगे एकदम बड़े स्टेडियम में। ये संडे सर्कुलर मोशन नहीं है, न्यूटन्स लॉ वो सब बाकी है ना भाई, न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन उस पर कराएंगे। अपन रोटरी वालों जैसे क्रिकेट कराएंगे तुम लोग का सिलेक्शन होने पे, टीम मैनेजर बना के टीम ओनर बना के मस्त मैचेस कराएंगे, पहले सिलेक्शन ले लो 2022 में होगा ये। ठीक छाप लिए डन लिख दो, छाप लिया तो डन लिख दो या फटाफट करो यार, बस छापना है बुद्धि नहीं लगानी है, बस ग्रुप पता है बेंजीन लगा हुआ है कार्बोनाइट्राइल, ये वन फिनाइल इथेन वन ओन, ये बेंजीन कार्बोक्सामाइड है या अमाइड लिख दो या मिथाइल बेंजोएट, बट इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, आप ऑप्शंस देखोगे चमक जाएगा आपको। किसी का कैमरा चालू हो गया था, अभी जब मैं अल्कोहल जब ये अपन आगे इन पे इंडिविजुअल चैप्टर करेंगे ना फिनाइल इथोन इथेन विथेन, तो थोड़ी चीजें और सिंपलीफाई हो जाएंगी, थोड़ा और लगेगा हाँ यार ये तो अपन कर ही सकते हैं। ठीक इतना हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई जयेंद्र, टेन देखो दिस इज बेंजीन नामाइन, ठीक है बेंजीन वन अमाइन बोल दो, बेंजीन एक मिनट सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन आपको एरोमेटिक में होगा क्योंकि इसके कॉमन नेम भी बहुत ज्यादा प्रचलित में है, तो आईयूपीएसी वो भी मान लेती कभी कभार जो है आपको बेंजीन वन अमाइन भी मिल जाएगा या बेंजीन ई काट दिया मैंने बेंजीन अमाइन भी मिल जाएगा, ये तो दोनों सेम ही है, या इसका एक कॉमन नेम भी है उसको बोलते हैं एनिलीन, अनिल कुमार नहीं अनिल कपूर एनिलीन, इसका नाम एनिलीन भी है एनिलीन। अब ये थोड़ा सा टाइम पास सवाल है, इसको मैं लिख सकता हूं बेंजीन
1, 2 डायोल, या इसको मैं लिख सकता हूं क्या क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें मानते हैं इसको, 1, 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये ज्यादा सही है। ये ज्यादा सही है, ये भी ज्यादा सही है। ओह सॉरी 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 सॉरी, दिस इज एल्डिहाइड, सॉरी सॉरी, दिस इज एल्डिहाइड, ये मेरे से गलती हुई, एसिड नहीं है यार। वन कॉमा टू डाई कार हाँ, ऑर्थो पैरा ये सब भी यूज करते हैं बेटा, ऑर्थो पैरा भी है, तो दो तीन नाम अलग अलग आ जाते हैं इनके। थोड़ा सा ये वाला पार्ट है ही ऐसा, जब अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो इनका नाम है ना सब, वो सब भी नोमेनक्लेचर आपको याद करना पड़ेगा, कैटेचॉल बोलते हैं, बहुत कुछ नाम है, बहुत कुछ नाम है, वो आगे अपन आगे करेंगे, है ना। ओके, कुछ एक जनरल टर्म्स भी है वो मैं आपको डिस्कस करा दूं, कुछ और थोड़े से इम्पोर्टेंट से टर्म है, फिर आपका रिकैप करवाना है एक, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया है, वी वुड बी ट्राइंग टू, मतलब कुछ शॉर्टकट्स तरीके निकालेंगे कैसे याद करें सबको। तो ये देखना जरा कॉमन टर्म्स, बेसिक्स, थोड़ा सा और कुछ बेसिक्स आप सीखना चाहो तो यहां से अपन देख सकते हैं। देखो, अगर अगर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये किसी और से जुड़ा हुआ है, और ये लास्ट है, यहां से लिंकिंग है, यहां से कहीं पे लिंक होता है, या सिंपली मैं बस इसको इतना बोल दूंगा यार ये लास्ट वाला है
और इस लास्ट वाले पे एक ऐसा लगा हुआ है, लेट्स से दिस इज, चलो यहाँ पे ये इतना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये एक चेन है और इस चेन का चाहे यहां से आप मानो या यहां से, इस वाले पे ये लास्ट है और ये सेकेंड लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट है और सेकेंड लास्ट पे अगर मिथाइल लगा हुआ है, सेकेंड लास्ट पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, सेकेंड लास्ट पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल अगर लगा हुआ है तो अपन एक और कॉमन नेम है, कॉमन नेम है वी यूज, ध्यान से सुनना इसको, टोटल मुझे ये बताओ इस टोटल स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, टोटल स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 5। तो एक कॉमन नेम आता है इसको आइसोपेंटेन, क्या आता है आइसोपेंटेन। आइसो टर्म किसके लिए यूज होता है, आइसो प्रिफिक्स आइसो इज यूज्ड फॉर दोज अल्केन्स इन विच वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ अ कंटिन्यूअस चेन। बात समझ में आ रही है बेटा? देखो अगर मैं आखिरी वाले पे, सुनो, अगर मैं आखिरी वाले पे लगा दे ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, शायद मैंने लिखाया हो, शायद पहले कभी लिखाया हो, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल पेंटेन, कराया गया सब कुछ, एन पेंटेन। अगर 5 कार्बन है और एक कार्बन उस अल्केन का आखिरी किसी एक कार्बन पे लगा हुआ हो तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। ये पहले एक्सेप्टेड था, अभी तो नहीं है इतना ज्यादा, बट कॉमन नेम है, यूज कर सकते हैं। कार्तिक समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके अगर स्ट्रेट चेन है इसमें हेडिंग डालिएगा, पहले वाले में आइसो ग्रुप है ना, ये आइसो ग्रुप है, ये नॉर्मल ग्रुप है, दिस इज एन पेंटेन या दिस इज नॉर्मल ग्रुप, सेकेंड नॉर्मल ग्रुप। कितनों को समझ में आया ये? टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, इसका IUPAC नेम देखो, इसका तो पेंटेन ही होता, इसका IUPAC नेम बताओ क्या होता, कोई इसका IUPAC नेम बता सकता क्या मुझे, फर्स्ट वाले का? ओम बताओ, फर्स्ट वाले का IUPAC नेम सर, 2-methyl-butane। टू मिथाइल ब्यूटेन, वेरी गुड,
ये आईयूपीएसी नेम है, ये कॉमन नेम है, ठीक है। चेन के एंड होने से पहले जो सेकेंड कार्बन है उस पे, ओके मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे, एक नियो वाला भी है वो भी कराना है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल ये है ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में कभी कभार यूज होते हैं, इसको क्या बोलेंगे फटाफट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपेन, क्या बोलेंगे प्रोपेन नॉर्मल या एन प्रोपेन, प्रोपेन या एन प्रोपेन। अच्छा याद है क्या, अगर सी एच फोर हो और उससे एक अपन एच माइनस कर दें तो ये सी एच थ्री निकलता है, ये मीथेन होता है, ये बगल वाले को क्या बोलते हैं सार्थक, बगल वाले को क्या बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। तो वैसे ही अगर मेरे पास में ये ऊपर वाला था, ठीक है सब इसके पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस मार देता, इससे मैं एक एच निकाल दूं तो इसका नाम ये क्या जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और ये ऐसा, दिस इज एन प्रोपाइल, इसको क्या बोल सकते हैं अपन एन प्रोपाइल बोल सकते हैं। सिमिलरली H माइनस है बेटा, देखो ये याद रखना इसका एक H गायब हुआ है, ये डार्क बनाया है, मतलब एक H गायब है, एक H गायब है, मान लो ये बनाया मैंने और ऐसा बोल्ड कर दिया, मतलब एक H गायब है, इसका नाम क्या आएगा फटाफट बताओ, एज गायब है मतलब डार्क से बनना है, फोर्थ और फिफ्थ अरे कुछ भी हार्ड नहीं है यार, नॉर्मल ब्यूटाइल नॉर्मल पेंटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल नॉर्मल पेंटाइल, ठीक ओके ओके अपन ने नॉर्मल वाला किया और एक आइसो ग्रुप किया, ठीक है। तो ये है ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह आते हैं, फटाफट छाप लो तो डन कर देना, छाप लो तो डन कर दो। छाप लो तो डन कर दो। ठीक ओके अब आइसो के आइसो ग्रुप्स को अपन देख लेते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। देखो नॉर्मल तो अब जैसे मान लो सी 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 और ये वाला, इसका एक एच हट गया बेटा, इसका एक एच हट गया, ये ऐसा ग्रुप बना। ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल चेन नहीं है, ये नॉर्मल चेन नहीं है, इस वाले पे इस चेन के ये लास्ट ये सेकेंड लास्ट, चलो जल्दी छाप, ये डार्क समझ रहे क्या, इसे डार्क एक वेब सीरीज भी है, डार्क डार्क नेट यार जल्दी करो, ओम हार्ट ठीक हुआ कि नहीं, देखो इसका नाम बेटा, इसका नाम अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, अगर
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो मैंने करा रखा था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो याद करो जहां पे लगा हुआ हो वही नंबरिंग कर दो, वन टू, और ये नाम आता था वन मिथाइल, इसको ब्रैकेट में लिखते थे वन मिथाइल इथाइल, याद आ रहा क्या वो? हाँ बट डार्क मतलब यहाँ पे कुछ और ग्रुप लगा हुआ है, बड़ा ग्रुप। अच्छा इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम और आइसो, लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टोटल कार्बन तीन है, इसको आइसो प्रोपाइल भी बोलते हैं, कॉमन नेम। अरे भाई साहब समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है ओम, फिर तुम अपने भाई को साथ लेके आ जाना, भाई तुम्हें ड्रॉप कर देगा। निकुंज और कुंज के साथ में मत आना। मान लो ये ऐसा है और यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, आईयूपीएसी नेम बताओ और कॉमन नेम बताओ। केजीपी सर वाले पे मैसेज कर, जसवीर फाइनली तुम आज क्लास कर रहे हो बेटा, बताओ इसका नाम। जसवीर नहीं है, सब पास। इसका आएगा टू मिथाइल प्रोपाइल या कॉमन नेम इसका है आइसोब्यूटाइल। ठीक, इसका कॉमन नेम आ जाएगा आइसो पेंटाइल, किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। इसका क्या जाएगा थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल ब्यूटाइल। ये आईयूपीएसी
सही है, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ठीक है, क्लैरिटी आ गई क्या? ये कहीं आपको फ्यूचर में कभी कॉमन नेम दिख जाए तो ऐसा नाम अपन लिख सकते हैं उनका, ऐसा अपन नाम लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ जाऊं? ओके, नेक्स्ट है नियो, नियो ग्रुप। नियो नाम कहां पे सुना है? नियो सुना है क्या? नियो मैट्रिक्स में उसका नाम नियो रहता है। मैट्रिक्स मूवी में, चलो कोई नहीं, नहीं पता होगा। देखो अगर ऐसा मेरे पास में ग्रुप है एंड सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, सेकेंड लास्ट पे, एंड लेट्स से नॉर्मल, ऐसे बताने की तो जरूरत नहीं है, ये देखो ध्यान से, ये भी CH3 है, दिस इज CH3, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल, तो इसका नाम अपन देंगे, दिस इज नियो। चार कितने कार्बन है? पांच, पांच कार्बन है तो नियो पेंटेन। ठीक है, तो दिस इज नियो पेंटेन। और अगर ऐसा ये किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में है और ये ऐसा किसी से जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, देन दिस वुड बी नियो पेंटाइल। इसका एक एच गायब हो, ठीक है, अटैच पार्ट है ये, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट इट वुड बी नियो पेंटाइल। और अगर IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो IUPAC नेम आ जाएगा 2.2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई? बेटा एग्जाम्पल कार्तिक, एग्जाम्पल देखेंगे तब आएगा। अगर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं हो लास्ट वाले पे तो नॉर्मल, सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा हो तो वो होगा आइसो, दो मिथाइल लगे हो सेकेंड पे तो उसको बोलते हैं नियो। ये अल्केन्स के लिए है, किसके लिए? अल्केन्स के लिए। हो गया, प्लीज डन लिखो, फटाफट लिखो, KGP सर वाले मैसेज वाले जो है उस पर प्लीज डन लिखो फटाफट। लास्ट वाला है, रिकैप करवा देता हूं मैं। ठीक है, नॉर्मल आइसो नियो, ठीक है, देखो ये छोटे जो चेन्स है ना उनके लिए ये होता है, ये छोटे चेन्स जो है उनके लिए, अल्केन्स के लिए प्रीफिक्स में यूज होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा काम तो IUPAC से ही पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से समझो, ज्यादा से ज्यादा काम IUPAC नेमिंग से ही है, IUPAC नेमिंग मैंने भरपूर मात्रा में करा रखा है आपको, बट कहीं कहीं पे ये कॉमन नेम भी यूज होते हैं तो घबराना नहीं है। लेट्स से कई बार है ना ऐसे सेकेंडरी ग्रुप भी यूज किया जाता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है? सेकेंडरी ग्रुप अगर व्हेन टू अल्काइल्स, अल्काइल ग्रुप्स, या सीधा मैं बोलूं मिथाइल, मिथाइल्स आर अटैच टू
attached to the same carbon, ठीक है, atom, then that is secondary group. जैसे जैसे घबराओ नहीं, इनको ये रीड करो, ये ऐसा लगा हुआ है एंड देखो लास्ट वाला था ना, पहले सेकेंड लास्ट था, अब ये जो कार्बन है ना उसी पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसी से अटैच है और इसी से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये लास्ट, ये सेकेंड लास्ट और इसी पे. अब देखो इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है उसी पे दो लगे हुए हैं, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, तो इसको अपन यू बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल. क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल, एस ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल. बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3. तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा 1-methyl-1-methyl propyl. बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं आईयूपीएसी नेम में? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये देखो जरा, यहां से अटैच है और इसी पे एक और कार्बन लगा हुआ है, तो टोटल कार्बन कितने हुए? 5. दिस इज सेकेंडरी पेंटाइल और ये कॉमन नेम है या 1-methyl-butyl. आईयूपीएसी थोड़ा बेटर होता है, उसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होता. अगर बेसिक रूल्स पता है आपका, वो कंपाउंड दिया हुआ है, आप इजीली नाम लिख सकते हैं उसका. हो गया तो बोलो. देखो कुछ बच्चे हैं ना, अपने आते जाते रहते हैं, कभी ज्वाइन करते हैं कभी भाग जाते हैं. अब फिजिकल में क्या होगा रे भैया? हो गया, डन, लिखो जल्दी करो यार, पॉइंट अप करना है. सबका डन आ गया है ना? ठीक, एक आखिरी लास्ट टर्शियरी ग्रुप. ठीक है, चांसेस बहुत कम है इनके. जब 3 अल्काइल ग्रुप्स है, बेसिकली मिथाइल नहीं, सॉरी अल्काइल ग्रुप्स है, एक मिथाइल है, ये अल्काइल, देखो इथाइल, ये मिथाइल, तो यहाँ पे एक मिथाइल, ये अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इसके. अब इसका एग्जांपल समझो, ये इधर अटैच है, ये इधर एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है. देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो 1, 2, 3, तीन कार्बन से अटैच है. और किसकी आवाज है भाई? किसी का माइक चालू रह गया? तीन कार्बन से अटैच है देन दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल. नहीं तो अपना कॉमन नेम है ये 1, 1 डाइमिथाइल. ठीक है, तीन कार्बन से अटैच है तो टर्शियरी. इजी है, इधर 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 ये अटैच है. ठीक, इसे फटाफट नाम बता दो. फटाफट नाम बताओ. आईपीएसी नेम पता ही है.
आईपीसी नेमिंग सबको पता ही है, आईपीसी नेमिंग सबको पता है, ठीक? बात क्लियर है यहां तक? इजी है, आईपीसी नेमिंग कर लेना बेटा। 1, 2, 3, यहां 1, 1 ही आएगा, 1.1 डाइमिथाइल, यहां पे भी यही आएगा। दिस इज टर्शरी, उससे पहले सेकेंडरी, खत्म। खत्म ये पार्ट। सबको समझ में आ गया यहां तक? अब ऐसा नहीं है कि यहीं पे अपन आईपीसी खत्म कर देंगे, आगे कहीं ना कुछ नया सीखते रहेंगे, बट मेजर पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, मेजर पार्ट पूरा ही कंप्लीट। अल्केन्स है, इनसे एक एच निकालो तो ये बन जाते हैं अल्काइल, फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। अल्कीन्स है, उनसे अभी तक तो अपन नहीं किया ये, बट नॉलेज के लिए, एक दो प्रॉब्लम आ सकते हैं, अपन देख लेंगे आगे। अल्केन्स है, माइनस एच करोगे अल्काइल बनता। अल्कीन्स है, डबल बॉन्ड होता है, एक एच करोगे, एक एच माइनस करोगे अल्किनाइल। ये बस ई हटाया है, यहां पे अल्काइन है, उससे एक एच करोगे अल्काइनाइल। बात समझ रहे क्या? कुछ एक आधे अगर एग्जांपल्स आए तो वी विल ऑब्वियसली डिस्कस देम, जिसके अंदर डबल बॉन्ड लगा हो, ठीक? तो अब मेरा एक आखिरी काम है जो कि मैं आपको याद करवाने का। टोटल 13 ग्रुप्स है, यहां तक लिख लिया, आई होप सबने लिख लिया। दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब 13 ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे आप याद रखेंगे, इसको ध्यान से देखें। इसका शॉर्ट ट्रिक भी अपने बना रखा है, ट्रिक बना रखा है। 13 ग्रुप्स किस किस को याद है सीक्वेंस वाइज? 13 ग्रुप सीक्वेंस वाइज किस किस को याद है? ओके, तो ग्रुप्स का प्रायोरिटीज, ग्रुप्स का अपन कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं इस पे। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड है सल्फोनिक एसिड, थर्ड है एनहाइड्राइड, फोर्थ है ईस्टर, फिफ्थ है एसिड हैलाइड, सिक्स्थ है अमाइड्स, सेवेंथ है साइनाइड, ठीक? एट्थ है आइसोसाइनाइड, एट्थ है आइसोसाइनाइड, नाइन्थ है एल्डिहाइड, टेंथ है कीटोन, टेंथ है कीटोन। ज्यादा हो गया क्या? ओके, थोड़ा सा छोटा कर देता, एक साथ हो जाता है यार, चलो मेरी गलती। 11th है अल्कोहल,
ट्वेल्थ है थायोल, थायोल या थायो अल्कोहल, फिर है माइन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अच्छा कैसे याद करना, देखो मैं बताया डॉन, फिर छोटा डॉन, उससे बड़ा सबसे बड़ा डॉन होता है, पीएम डीएम सीएम के अपन ने बात करी थी। तो अगर किसी भी ग्रुप पे ये लगे हुए तो सबसे ज्यादा ये दोनों क्या है एसिड, ये दोनों क्या है एनहाइड्राइड, और ये जितने भी हैं अमाइड्स तक, ये है एसिड का डेरिवेटिव। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको, एसिड को, फिर किसको, एसिड के डेरिवेटिव को। सर एसिड का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये जो एसिड है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एक एच निकलता है, एक एच निकलता है, और एक एच निकलता है या तो यहाँ पे एनएच टू लग जाएगा या क्लोरीन लग जाएगा। देखो मेन तो यही होता है ना, मेन जो है वो तो यही है, एसिड है। अब क्या होता है, अगर एक पानी निकाल दो तो एनहाइड्राइड बनेगा, ईस्टर के लिए यहाँ आर लगा दो, एसिड हैलाइड के लिए यहाँ सी ओ एच की जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन लगा दो, अमाइड के लिए एनएच टू लगा दो। ये जो है साइनाइड और ये आइसो साइनाइड, इनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, इनमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एल्डिहाइड और कीटोन में होता है डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड और कीटोन में होता है डबल बॉन्ड। और ये तो अल्कोहल थायोल और अमाइन है, इनमें सब में होता है सिंगल बॉन्ड। अगर अगर वहां पे डायग्राम्स देखो, वहां पे अगर स्ट्रक्चर देखो, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस एसिड को, फिर किसको, एसिड हैलाइड को, फिर किसको, एसिड हैलाइड को, फिर किसको, एसिड हैलाइड को। समझ में आया क्या? एक सेकेंड, ना ये वाला पार्ट है, इरेज कर ही नहीं सकता है, कोई मतलब ही नहीं, इसको लास्ट में लिख लेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक जिससे याद करें इसको, पहले एसिड, फिर एसिड डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड पता है ना, साइनाइड, साइनाइड ऐसा, आइसोसाइनाइड क्या होता है, एन होता है, साइनाइड एक आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, अल्कोहल थायोल अमाइन। ये ऑर्डर याद कर लेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बताता, उसके लिए थोड़ी तैयारी भी करी थी बट अब तो कुछ हो नहीं रहा, सल्फोनिक फिर एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड पूरा एकदम 13 के 13 एकदम याद आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, इस सदी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, सबसे फेवरेट एक्टर सुपरस्टार कौन लगता है भाई? ये ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, अक्षय, कोई स्टार पसंद ही नहीं क्या? ऋतिक रोशन के फैन है सर, शाहरुख खान, सलमान खान, अरे इंडियन इंडियन, कितने को शाहरुख खान पसंद है, वो तो बूढ़ा हो गया, सलमान खान तो बहुत ही बूढ़ा हो गया, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, शाबाश, एकदम तीनों के तीनों याद हो जाएंगे। राजकुमार राव, ओके
विजय तला, अरे भाई साहब विजय तला पाटी, नवीन कुमार, ओके। देखो एक स्टार है, उनसे स्टोरी रिलेटेड है, उनसे स्टोरी रिलेटेड है, इतना बड़ा स्टार नहीं है। देन टू कितों को, रणबीर, रणबीर कपूर है, कौन है वो, रणबीर सिंह, ओके। चलो रणबीर सिंह पता है क्या, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर पता ही होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ट्रिक है, याद हो जाएगा। रणबीर कपूर जो है, ठीक है, ये स्टार लोग है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया कार मेंटेन करते, क्या करते लोग, बहुत बढ़िया बढ़िया कार मेंटेन करते। इसके पास बहुत बढ़िया बढ़िया कार है, किसके पास, रणबीर कपूर के पास, रणबीर कपूर के पास में फरारी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, सब कुछ है, ठीक। तो ऐसे ही कार है, सफारी कार का सुना है क्या नाम, सफारी नई लॉन्च हो रही है अभी, सफारी कार का नाम सुना है, अच्छा। तो कार सफारी किसी एनी हाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनी हाई स्टार, अब वो हाई स्टार ईस्टर है ना, ईस्टर, कोई हाई स्टार, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, कोई एकदम हाई स्टार है, कोई हाई स्टार है, एक सेकेंड से मेरे साथ में लफड़ा हो रहा है, चलो ठीक, कोई हाई स्टार है, उसका कार उसके पास में है सफारी, ठीक है। वैसे इन लोगों के पास सफारी कार लोग रखते नहीं है, सब लोग ऑडी ऑडी से कम में बात नहीं करते। अच्छा सबसे महंगी कार कितनों कार्स का नॉलेज है, सबसे महंगी कार कौन सी होती, मैंने संडे को देखा सबसे महंगी कार मैंने अभी तक की, इसका नाम सुना है क्या, आरआर, रोल्स रॉय, सुना है क्या नाम, सबसे महंगी कार है मैंने संडे को देखी, इसका प्राइस कोई गेस कर सकता है क्या, रोल्स रॉय कार क्या, नहीं नहीं अकोला में नहीं, दिल्ली में देखी, ये बढ़िया से बढ़िया 10 CR की आती, और भी बढ़िया है, मतलब ये मिड रेंज बताया मैंने, बोलो 10 करोड़ की गाड़ियां, मान लो अपने बैच में कितने 5-10 लोग तो ऐसे होंगे कि आगे रोल्स रॉय खरीदेंगे, क्या बोलते, और इधर नहीं चलाएंगे, सब US चलाएंगे। तो कार रोल्स रॉय सबसे महंगी होती है, मान लो सफारी अपन ने डाल दिया, कार सफारी एनी हाई स्टार की, एनी हाई पेड स्टार, सफारी भी, सफारी थोड़ी सस्ती है, 15 लाख में आ जाती है, 15 ज्यादा ज्यादा 20 लाख, ये लोग तो बहुत ज्यादा महंगे हो गए। तो कार, कार्बोक्सिलेट, सल्फोनिक एसिड, सफारी, एनी हाई स्टार, ठीक है। मान लो रणबीर कपूर जो है, रणबीर कपूर जो है वो अपनी एकदम महंगी रोल्स रॉय लेके या एकदम सफारी की महंगी कार लेके मान लो अकोला आ जाए, मान लो कोई अकोला आ जाए, कोई कोई बच्चा है क्या जो फैन हो उसका, कोई भी नहीं है क्या, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, और है ये सब चिंदी मिंदी कल के लौंडे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो यहां पे आए, और यहां पे आए अकोला में छोटे शहर में, तो क्या होगा, हल्ला होगा, हल्ला, ठीक है, क्या होगा, हल्ला होगा। मान लो कोई एकदम अच्छा, कौन फैन है, अच्छा युग, युग युग युग, अच्छा साची भी है क्या, ओके। मान लो साची जो है हल्ला करने लगे, ओ माय गॉड रणबीर कपूर आ गया, रणबीर कपूर आ गया, तो रणबीर कपूर आ गया, साची ने हल्ला करना लग गई कि भाई मेरे को मिलना है, मेरा सबसे बेस्ट स्टार यहाँ पे आ गया, तो क्या किया, चलो साची को नहीं पकड़ती, किसी और को पकड़ते, युग, युग, मान लो युग हल्ला करने लग जाए कि नहीं यार रणबीर कपूर तो मेरा फेवरेट स्टार है, तो ये क्या किया, जय और वीरू शोले के जैसे ये एकदम टैंक पे खड़ा हो गया, ठीक है, कि मेरे को मिलाओ नहीं तो मैं एसिड खा जाऊंगा या एसिड से अपने आप को जला लूंगा, एसिड हैलाइड, ठीक है। तो फिर जैसे ही ये नखरे करने लग गया,
तो जो के अमाइड्स मम्मी, ठीक है, योग के मम्मी उसको समझाई कि तुम बहुत शाने बन रहे हो, ये धर्मेंद्र का एक्टिंग कर रहे हो, तुम बहुत शाने बन रहे हो, आओ मैं तुम्हें उल्टा शाना बनाती, उल्टा शाना बनाती। समझ में आ रहा है? एसिड हैलाइड, एसिड का हल्ला, मतलब हल्ला करने लग गया कौन, एसिड का हल्ला नहीं करते सीधा, क्या हल्ला करने लग गया कौन, योग, तो उसकी मम्मी आई अमाइड्स, मम्मी आई बहुत शाना बन रहे हो योग, तुम्हें उल्टा शाना बनाती मैं, आ जाओ तुम घर पे आओ, ठीक है। तो हो गया क्या, समझ में आया क्या? आठ तो याद हो गए, कार सफारी किसी एनी हाई पेड एक्टर स्टार की, तो कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एनहाइड्राइड ईस्टर, फिर एसिड हैलाइड अमाइड्स, ठीक है, हल्ला करने लगा योग तो उसकी अम्मी आई, ठीक है, अम्मी ने बोला कि भाई शाना बन रहे हो तो मैं उल्टा शाना बनाती हूँ, ठीक, ओके, आठ याद हो गए। अच्छा अब ये देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा अटपटा है ना, आप लोग मुझसे ज्यादा बेटर बना सकते, ठीक है। तो अच्छा रणवीर कपूर की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? हाँ क्या बात है, कितना जनरल नॉलेज है, क्या नाम है, आलिया, ठीक है, आलिया, आलिया, आलिया एल्डिहाइड के सर, अल्कोहल मतलब शराब, शराबी थे अब्बा, अब्बा कैसे लिखते, आलिया के शराबी थे अब्बा, अब्बा अब्बा अमाइन, अम्मी लिखते हैं क्या, अम्मी लिख देते हैं। देखो ये छोटी सी कहानी है रणबीर और आलिया की, आलिया के शराबी थी अम्मी, ठीक लगा थी अम्मी, ज्यादा बेटर सूट कर रहा, जैसे उसके पापा शराबी हैं, बट ठीक है, याद हो जाएगा क्या। देखो पहले कार सफारी एनी हाई पेड स्टार, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एनहाइड्राइड ईस्टर, फिर जैसे ही एकदम सफारी कार लेके रणबीर कपूर आया तो युग ने हल्ला किया, उसकी मम्मी ने उसको बोला कि बहुत शाने बन रहे हो तो मैं उल्टा शाना बनाती, फिर आलिया के शराबी थे, ठीक है, लास्ट वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट आई डिड नॉट मीन दैट, ठीक है, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, जो सुखी परिवार रणबीर और आलिया का, उसे पापा का नाम पता है ना, अरे पापा तो दिखते ही शराबी है, ये देखो इमेज भी डाल के लाया था मैं, ये देखो कितना सही लग रहा, ये देखो रणबीर, रणबीर की एकदम कार सफारी एनी हाई पेड, हाई पेड तो है ही भैया, दिखाते दिखाते देख रहे क्या मस्त, ये जो है दिस इज सफारी, ये जो है दिस इज रॉल्स रॉय, ये सिंबल दिख रहा है कि इधर दिखाई दे रहा, थोड़ा जूम करके देखो, ये ऐसा कुछ लगा रहता है इसके सामने, ये होते रॉल्स रॉय, मैं देखा मैं खुश हो गया, अरे वाह क्या सही रॉल्स रॉय है, ठीक, कार एनी नहीं क्या था, कार सफारी एनी हाई पेड एक्टर, मान लो ऐसे युग लटक गया कि मेरे को रणबीर से मिलवाओ, रणबीर से मिलवाओ, धर्मेंद्र के एक्टिंग करने लग गया, देखा क्या ये सीन, देखा क्या, कौन सी मूवी का है, फिर ये आलिया, ठीक है, ये दोनों ही मम्मी पापा ने शराब, समझ में आएगा, बस खत्म, बेटा अपना लाइब्रेरी नहीं रखेंगे देवाशीष, लाइब्रेरी नहीं रखेंगे,
लाइब्रेरी नहीं रखेंगे, लाइब्रेरी रखना यार सही नहीं है, बच्चे मौज मस्ती ज्यादा करते हैं और अपना काम ही ऐसा है कि बंद कमरे में पढ़ाई करो, ठीक है क्या? याद हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, कार सफारी, एनी हाई पेड स्टार की एक्टर मतलब स्टार, ठीक है? फिर हल्ला होगा, फिर मम्मी बोलेगी बहुत शाना बन रहे हो, मैं उल्टा शाना बनाती, शाना मतलब साइनाइड, उल्टा शाना मतलब आइसोसाइनाइड। फिर आलिया की शराबी थी अम्मी, चमका क्या? अब इसको ये जो है टेबल को जो है आप लोग 10 टाइम लिख लेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर को, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक, बिल्कुल भी इसमें पंगा नहीं होना चाहिए कि आपने साइनाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप लगा दिया और एसिड हैलाइड को प्रीफिक्स लगा दिया, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? इसको 10 टाइम लिख लेंगे, जो बच्चे लगेंगे 10 टाइम से नहीं हुआ है तो 20 टाइम भी लिख सकते हैं, बट मैं मानता हूँ कि भाई जनता अपने थोड़ी से स्मार्ट है, 10 टाइम लिखेगी तो चमक ही जाएगा, 10 टाइम लिखेगी जनता तो समझ में आ जाएगा। हो गया, डन लिखो, अगर हो गया तो डन लिख दो। अच्छा इसमें 10 टाइम ये नहीं लिखना है, 10 टाइम क्या लिखना है वो जो मैं अभी थोड़ा सा लिखा देता, ये एक सम अप है, थर्टीन ग्रुप्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, डबल बॉन्ड, पहले एसिड्स हैं, एसिड डेरिवेटिव है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, ये वाली विदुषी, ये वाली साइड, जल्दी छापो। अब लास्ट में एक और, अब मुझे फटाफट आंसर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओम, बताओ फटाफट, ओम, कहां भाग गया ओम? इसका होता है ओइक एसिड एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी वो वाला नहीं लिखना है आपको, ये 10 टाइम लिखना है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स, कम ऑन कम ऑन, प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्स, ठीक है? तो ये आप 10 टाइम लिखेंगे, पहले वाला नहीं, ये वाला 10 टाइम लिखो ताकि ये रिमेंबर हो जाए। सल्फोनिक का होता है, सल्फोनिक एसिड ही होता है, एक सेकेंड, इसके आखिरी वाले को बना लेना, एनहाइड्राइड का ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है? ईस्टर का क्या होता है? अल्काइल ओएट होता है, फिर दूसरा होता है अल्काइल कार्बोक्सिलेट होता है, ठीक है? इसका तो सल्फो, ये आपको 10 टाइम लिखना है, ऐसा एक पेज है ना आखिरी पेज, उस पे इन सबके सबके सफिक्स और प्रीफिक्स लिख के मुझे 10 टाइम सेंड करना है, क्या कर लोगे क्या ये?
बच्चों आखिरी में यहाँ पे नेम लिखा है एसिड का, जो भी है सॉरी फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखा, सफिक्स लिखा, प्रीफिक्स लिखा, जितने मैंने लिखा है उतने ही 13 का, ये मुझे 10 टाइम सेंड करना है आपको, ये 10 टाइम सेंड करना है आपको। सेम मैं आज चेक करूंगा और आपकी बुक में भी होना चाहिए कि आपको हर एक एग्जाम्पल देखने के बजाय एक कॉमन प्लेस पे सारा मिल जाए। ठीक है, तो अपना ये पार्ट हो गया है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, ये तो पुरानी चीजें हैं। समझ में आया क्या चैप्टर? प्लीज व्हाट्सएप करो, एकदम इजी था आज की क्लास में, तो कुछ नया पढ़ाया भी नहीं, पूरा चैप्टर बहुत इजी है, मेरे को व्हाट्सएप करो और 10 मिनट बाद में एसएसआर वाले लिंक पे ज्वाइन कर जाना, 45 या 50 पे, 10:50 पे उनका लेक्चर होगा। व्हाट्सएप मैसेज करो, चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं, और आज मुझे हर हाल में 10 टाइम लिखा हुआ मिल जाना चाहिए, 10 टाइम लिखा हुआ मिल जाना चाहिए, मुझे पता चल जाता कितने लोग होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब तुम लोग फिजिकल क्लास में मिलो, हाँ अच्छी बात यह है मैंने एक डंडा भी मंगवा लिया है, ठीक है, डंडे की फोटो भेजता, बोलो तो भेज दूं, एक मस्त डंडा बनाया है वहीं पे एकदम लालम लाल कर देंगे, ठीक है, ओके 10:50 पे दूसरा लेक्चर ज्वाइन करना है, 10:50 पे दूसरा लेक्चर ज्वाइन करना है।